नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति वैभव। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। सिवान के गोरिया कोठी में इमलिया मोड़ से जामो जाने वाली मार्ग गड्ढे में तब्दील होने को लेकर स्थानीय लोग ने जमकर बवाल मचाया है। बताया जा रहा है कि गड्ढे नुमा व पानी लगे इस सड़क पर आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिससे परेशान होकर आज गुरुवार को प्रातः लालाहाता के ग्रामीण सड़क का घेराव कर प्रशासन विरोधी नारे लगाए। उपस्थित लोगों में अवधेश सिंह, जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह, राजकुमार सिंह, मंजीत कुमार, बादल सिंह, बिट्टू सिंह, सोनू सिंह मुख्य रूप से शामिल थे। घेराबंदी के दौरान तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लेकर सांसद तक से बात की गई, जिसमें दो जनप्रतिनिधियों वरुण सिंह पार्षद उम्मीदवार और अशोक सिंह विधायक उम्मीदवार ने सड़क मरम्मती का आश्वासन दिलाया। उसके बाद घेराबंदी को खत्म किया गया। ये जामो और इमलिया मोड़ पथ है, जाम ये 111 गोरिया कोठी विधानसभा में जामो इमलिया मोड़ पथ है, जिसमें यह पथ पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुका है और इसमें कई लोग गिर चुके हैं और गाड़ियां आकर के फंस जा रही हैं। खोजने पर पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये काम मिला हुआ है आदर्श कंस्ट्रक्शन को, जो सिवान जिले का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और पता चल रहा है कि वो रमेश सिंह कुशवाहा के परिवार का कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इस काम को ली हुई है, और उसका काम करने का गति इतना धीमा है कि सड़क पर पानी लग गया और सड़क पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पूरे प्रशासन से, बिहार सरकार से, भारत सरकार से सबसे आग्रह है कि यथाशीघ्र इस रोड को चालू कराया जाए, इस पर से इसका मरम्मत किया जाए और इसका पिचिंग किया जाए।